पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम चूड़ामणिकृतविदुर बलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलातांडवपंडितः रुचये गोपावधूटितकुलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आवाज आ रही है रामेश्वर? हेलो, हाँ ठीक है ठीक। तो ये मंगलाचरण का तो विचार हो गया, ठीक है ना। नूतन जलधर रुचे, ये जो कारिका थी, कारिकावली के ऊपर ही मंगलाचरण है, ये विचार हो गया। तो ईश्वर को अनुमान से लोगों ने सिद्ध किया कार्य हेतु से, चित्यंकरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, बराबर है, ठीक है ना। इसमें हेतु क्या है? कार्यत्व। परिशेष अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके बाद है देखो द्वितीय कारिका चलेगी, ठीक है ना। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम् समवायस्तथा भावः पदार्थः सप्तकीर्तितः। बोले द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् समवायस्तथा भावः पदार्थः सप्तकीर्तितः। तो देखो ये सात पदार्थ मानते हैं, जैसे तर्व संग्रह दोनों में प्रवेश कराने वाला ग्रंथ है, न्याय सिद्धांत में और वैशेषिक सिद्धांत में, इसी प्रकार ये लोग भी है। तर्क संग्रह में जैसे चार प्रमाण के ऊपर विचार हुआ, न्यायी लोग चार प्रमाण को मानते हैं और वैशेषिक लोग सात पदार्थों को मानते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है कि सप्त पदार्थ सप्त कीर्तिता, सात पदार्थ कहे गए हैं कोणात आचार्य आदि के द्वारा कहा गया है, कीर्तिता मतलब कथिता, समझ में ना। इसलिए क्या हुआ, अन्य अतिरिक्त पदार्थ और नहीं है, इसलिए यहाँ पर सात कह दिया, सप्त कह दिया ना, है तो सप्त क्यों कह दिया, जैसे तर्क संग्रह में है ना सप्त पदार्थ, सप्त पदम किम किमर्थम व्याप, हाँ व्याप्ति लाभाय, व्याप्ति लाभाय, व्याप्ति के लिए है। कैसी व्याप्ति होगी बताइए, बताओ। यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम, हो जाएगा, होगा ना श्यामदे, बोलो। ये व्याप्ति हो जाएगी तर्क संग्रह में, जैसे हुआ ना यहाँ पे हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ पर पदार्थत्व तो रहेगा वहाँ पर द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व तो रहेगा कि नहीं, द्रव्यादि सातों में से कोई एक अन्यतमत्व कितने में रहेगा,
कितने में रहेगा? सातों में नहीं चला जाएगा? सातों में जाएगा भी, द्रव्यादि सप्त अन्यतमोत्तम, सभी में नहीं जाएगा क्या? द्रव्य में जाएगा। द्रव्यादि सात में से अन्यतम कौन होगा? सभी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो सब भी घट जाएगा। ये व्याप्ति है, व्याप्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सप्त कह दिया ना, ऐसे में नहीं आया। अरे व्याप्ति कैसी बन रही है बोलो ना, यत्र यत्र पदार्थत्वम, यत्र यत्र पदार्थत्वम, तथा तत्र द्रव्यादि सप्ता अन्यतमत्वम, द्रव्यादि सात में से अन्यतम, अन्यतम कौन हुआ? द्रव्य भी हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य भी सातों में से एक है कि नहीं? अन्यतम का अर्थ क्या होता है? बहुत में एक, द्रव्यादि सात, सातों में से एक कौन होगा? सभी होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे में द्रव्यादि सप्त अन्यतम कौन कौन है? सभी हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगे? ये व्याप्ति बन गई कि नहीं बनेगी? सप्त पद के द्वारा हुई व्याप्ति यत्र यत्र। अरे भाई शंका बनेगी ना, व्याप्ति नहीं बनेगी तो शंका बन जाएगी। एक कोई कम भी बोल सकता है, कोई ज्यादा भी बोल सकता है, फिर निश्चय नहीं होगा। फिर क्या कह रहे? द्रव्य कहाँ कह रहे हैं? द्रव्य कहाँ कहा हमने? पदार्थ कह रहा हूँ, द्रव्य आदि बोला ना हमने। आदि से क्या लेंगे? गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव। अब कह रही है द्रव्य से पृथ्वी आदि क्यों ले रहे हैं? हो गया, ऐसा ले लो, ठीक है कि नहीं? तर्क संग्रह की तरह तो द्रव्य जानते हो, ये हो गया कि इसको कौन सा ग्रंथ कहेंगे? उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं ना रामेश्वर। उद्देश्य किसको बोलते हैं? नाम वस्तु संकृत नाम उद्देश्य, ठीक है ना? तो शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति नहीं, उद्देश्यम लक्षणम परीक्षा च, वासन्य का, ठीक है ना? उद्देश्य होगा, लक्षण होगा और परीक्षा होगी। शास्त्र की प्रवृत्ति कितने प्रकार की होगी? तीन, पहले उद्देश्य, फिर उसके बाद लक्षण, उसके बाद परीक्षा होती। ये उद्देश्य यहाँ पर कह रहे तर्क संग्रह की तरह। हो गया द्रव्य, हो गया गुण कर्म सामान्य, और क्या कह दिया? विशेष, है ना? सविशेषकम बोल दिया, बोले विशेषण सह वर्तते थी, है सविशेष पहले बनाओ, और सविशेष सविशेषम एव सविशेषकम, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है ना? विशेष धर्म के साथ कौन होगा? विशेष धर्म कौन है मालूम है? स्वतः व्यवर्तकत्व। विशेष में क्या होता है धर्म? स्वतः व्यवर्तकत्व, ये उसका स्वरूप हो गया। आ गया ये विशेष धर्म। विशेष धर्म से जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सविशेष। सविशेष हुआ कि नहीं? उसी को विशेष बोल देते हैं, और क्या? सविशेषम एव सविशेषकम, स्वार्थ में क प्रत्यय करो। हो गया सामदेव, समझ में आया? हेलो, हाँ समझ में आया? नहीं आया? अरे विशेषण सह वर्तते थे सविशेषम, विशेष मतलब धर्म, विशेष का विशेष धर्म क्या होता है? स्वतः व्यावर्तकत्व, स्वतः व्यावर्तकत्व कि नहीं होता? कि नहीं होता है? हाँ, नित्य द्रव्य कोई व्यावर्तन करेगा, अपने कोई व्यावर्तन करेगा। तर्क संग्रह पढ़े ना, ज्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, तो जानते ही है आगे इसका आगे आर भी आएगा। और सविशेष को ही क्या कहेंगे? सविशेषकम, स्वार्थ में क प्रत्यय करो तो सविशेषकम हो जाएगा। आ गया कि नहीं आया? तो बोला सविशेषम का अर्थ क्या हुआ? विशेष ले लो, तर्क संग्रह में जिसको विशेष कह दिया। हो गया
और समवाय उसके बाद क्या कह दिया? अभाव कह दिया नहीं। अच्छा आगे देखो, पदार्थान विभजते, पदार्थों का विभाग करते हैं। और मुक्तावली विभजते किसको बोलते हैं जानते हैं? विभजते अर्थ किम? विभजते का बी पूर्वक, भज धातु का अर्थ क्या होता है? व्यापार, अनुकूल व्यापार। मालूम है सवे व्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मितो विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार। इसमें शायद कहीं दिया होगा, देखो इसमें कहीं दिया होगा, किरणावली आदि में जरूर दिया होगा। कहाँ दिया है देखो तो, कहीं पर दिया होगा। कौन सा पृष्ठ है? हाँ दिया है, दिया है, दिया है, देखो दिया है, दिया ना। स्वसंवे व्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मृतो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार विभजते अर्थ बी पूर्वक भज, बी पूर्वक भज धातु का अर्थ हो गया व्यापार। क्या है सुनते हो? बी पूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? विभजते अर्थ, मतलब विभजति का अर्थ क्या है? विभजति शब्द का क्या अर्थ है? विभजति वो क्या अर्थ है सुन लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। विभजति मतलब क्या है जानते हैं व्याकरण में? नहीं, इक्तिपो धातु निर्देश है। विभजते कहते ना, प्रातिपदिक क्या है? विभजति। भजति का अर्थ क्या है यहाँ पर? भज धातु। अरे भाई भजति शब्द का अर्थ क्या बोल रहा हूँ मैं? भजति का अर्थ क्या है? भज धातु भाई, नहीं जानते व्याकरण में? इक्तपो, हाँ इक्तपो धातु निर्देशे विभजति का अर्थ क्या हुआ? हाँ भज धातु को बोध कराने के लिए स्तिप प्रत्यय प्रयोग करते हैं। धातु का निर्देश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्तिप भव इक्तिपो धातु निर्देश। ये सूत्र है कि नहीं? भवते रह आया, आया कि नहीं आया? वो कहाँ? भादीगण में। तो भवते रह मतलब भवते का प्रातिपदिक क्या है? भवती। भवती शब्द का अर्थ क्या है? भू धातु। आया समझ में? ठीक, इसी प्रकार से विभजते अर्थ हो जाए विभजती आया है, तो भजती का अर्थ भज धातु। और बी पूर्वक भज धातु का अर्थ, ये तात्पर्य है। बी पूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो कह दिया व्यापार, क्या कह दिया? अनुकूल व्यापार। क्या कह दिया? अनुकूल व्यापार है ना। आगे हिंदी ये टीका में दिया भी सब है। स्व से लीजिए, धातु को ले लो। देखो मूल में क्या लिखा है? पदार्थान विभजते। मूल मतलब मुक्तावली, मूल कहने से मुक्तावली को समझना। पदार्थान विभजते, ठंडा लग रहा है ना? बंद कर दीजिए नहीं तो बंद कर दो, मुझे का आपत्ति नहीं है। पदार्थान, पदार्थान विभजते आया कि नहीं आया? यहाँ पर विभजते में भज धातु है कि नहीं? जी जी। है ना? हाँ, इसी का अर्थ क्या है बता रहे। देखो स्वसंवे व्याहृत, स्व का अर्थ हो गया धातु, स्व का अर्थ धातु, कौन धातु? हाँ बी पूर्वक भज धातु, ऐसा लो, केवल भज नहीं, बी पूर्वक भज धातु। ये विभजति स्व शब्द से विभजति ले लो। उसके बाद क्या कहा? सांभी व्याहृत, मतलब पास में उच्चरित को बोलते हैं सांभी व्याहृत। ठीक है, देखो पद विभजते बोल दिया ना, तो विभजते पद के पास में कौन सा शब्द है बोलो? पदार्थान, पदार्थ शब्द है। कहाँ पर है? मुक्तावली, मुक्तावली में, मूल में।
ठीक है, इसलिए पदार्थन स्व समय व्याहृत पद कौन हो गया, पदार्थ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह दिया, पदार्थता वचे, देखो उसमें क्या रहेगी, पदार्थता रहेगी, क्यों भाई, पदार्थ में क्या रहेगा, पदार्थता धर्म रहेगा, उसका अवच्छेद क, उसका अवच्छेद क, हैं, उसका अवच्छेद क्या होता है पदार्थता का, पदार्थत्व, पदार्थत्व हो जाएगा। लेकिन उसका व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म, परस्पर, मिथो मतलब परस्पर, परस्पर में जो विरुद्ध धर्म व्याप्य कौन जानते हैं, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व होगा कि नहीं होगा, व्यापक कौन, पदार्थ का, पदार्थता का अवच्छेद कौन हो गया, पदार्थ। आपको कुछ परेशानी हो लग रही ना, खांसी से। अच्छा, तो पदार्थत्व है ना, पदार्थ का, पदार्थता का अवच्छेद हो गया पदार्थत्व, उसका व्याप्य मतलब उसका व्याप्य, किसका व्याप्य, पदार्थत्व का व्याप्य धर्म कौन होगा, द्रव्यत्व आदि, कितने, सात हो जाएंगे। ये क्या परस्पर विरुद्ध भी है, है यावत धर्म प्रकारक, प्रकारक ज्ञान, प्रकारक ज्ञान कैसा होगा, बताइए, हाँ द्रव्यम, द्रव्यम ज्ञान में प्रकार क्या है, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व प्रकारक आया, मतलब क्या द्रव्यम गुणा, हाँ ये ज्ञान होगा, इस ज्ञान में प्रकार क्या है, घट ज्ञान में प्रकार क्या है, घटत्व, घट हो जाएगा विशेष, घटत्व हो जाएगा प्रकार, सब प्रकार ज्ञान है ना, ऐसे में तो पंक्ति लगाते जाओ, ठीक है। यावत धर्म प्रकार का ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप कैसा हुआ, द्रव्यम गुणाम है ना, कर्म, इस प्रकार इस ज्ञान का अनुकूल व्यापार क्या होगा, शब्द प्रयोग, ये बोल रहे ना शब्द प्रयोग, द्रव्य है गुण है, ये बोल रहे कि नहीं आप, हाँ ये हो गया व्यापार, हाँ ये हो गया अर्थ, किसका अर्थ, हाँ बी पूर्वक भज धातु का अर्थ होगा, समझ में ना, इतना लंबा चौड़ा बोल देते हैं लोग, ठीक है, हो गया ना, बोले ये पदार्थन विभजते है ना, एक बार बोले तो बी पूर्वक भज धातु का अर्थ, सो मिथो यावत धर्म, यावत धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये इतना अर्थ हुआ, किसका अर्थ हुआ, विपूर्वक विभजतेर अर्थ, हाँ विपूर्वक भज धातु का अर्थ है, हो गया कि नहीं, अच्छा भाई, उसके बाद चलो ऊपर है मूल में द्रव्यमिति, अत्र सप्तमस्य अभावत्व कथनादेव षण्णाम भावत्व प्राप्तम, देखो एक बात कह रहे हैं, देखो यहाँ पर कह दिया ना कि अभाव अंतिम पदार्थ कौन हो गया, अभाव है, सप्तम पदार्थ हो गया अभाव, तो सप्तम पदार्थ को यदि अभाव शब्द से कह दिया तो उससे पहले छह पदार्थ क्या हो गए, भाव हो गए, हो गए कि नहीं हो गया, हो गया ना, एक इसलिए बोल रहे, देखो सप्तमस्य मतलब सप्तम पदार्थस्य अभावत्य कथनात्, सप्तम पदार्थ को जो अभाव कह दिया ना अभाव, तब तो फिर इस कथन करने मात्र से सन्नाम मतलब सन्नाम पदार्थानाम किम प्राप्तम, भावत्म प्राप्त हो गए, छः भाव पदार्थ हो गए हैं, और अंतिम सप्त पदार्थ कौन सा हुआ, अभाव हो गया, प्राप्तम मतलब अर्थापत्ति से, ये तो अर्थापत्ति नहीं मानते हैं लोग, अनुमान से प्राप्त हो गया, अंतिम पदार्थ अभाव हो गया तो बाकी पदार्थ क्या होगा, भाव हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, अनुमान से हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि द्रव्यादय भावा है कि नहीं,
अभावत्व विधिकरण धर्मत्वात्, ऐसा अनुमान ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भी भाव का लक्षण क्या करते हैं, याद है किसी को भाव का लक्षण क्या है? तर्व संग्रह में कुछ बताए थे, भाव का लक्षण क्या है रामेश्वर? रामेश्वर भावस्य किम लक्षणम्? हाँ बोलो, भावस्य किम लक्षणम्? बताइए क्या है भावत्व का, भाव का लक्षण क्या है? तर्क चक्र में कुछ बताया था, याद करो, अंतिम में बताया था ना तर्क चक्र में। समवाय ससमवाय समवेतत्व अन्यतर संबंधेन सत्तावत्तम, देखो लिखे हैं कहीं, देखो यही यही बताया था आपको, समवाय ससमवाय समवेतत्व अन्यतर संबंधेन सत्तावत्तम भावस्य लक्षणम, नहीं बताया? भूल जाएंगे तो कैसे होगा, ज़्यादा दिन श्यामदेव लिखे हो, कॉपी में लिखे हो, बुद्धि में नहीं लिखे हो। यही लक्षण बताया था भाई, चलो छोड़ दीजिए, अब ढूंढना ना, ढूंढिए ना, बाद में देख लीजिएगा। तर्क संग्रह लिखे लिखवाए थे आप लोगों को, एक एक करके कटवाया था, ठीक है, चलो बाद में देखिए। तो समवाय सत्तावत्तम कह दिया ना, क्या कह दिया? सत्तावत्तम, सत्ता रहेगी द्रव्य द्रव्य गुण कर्म में, किस समय से रहेगी? समवाय संबंध से, ये तो कुछ है ही नहीं, किस संबंध से? कौन कौन रहेगी? कब रहेगी? सत्ता रहेगी, सत्ता रहेगी किस संबंध से? कहाँ पर? द्रव्य गुण कर्म तो जानते हो, है ना, जाति और व्यक्ति में क्या होता है? समवाय संबंध होता है, इसलिए सत्ता तीनों में किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से। और सत्ता में स्वसमवाय समवाय तत्व, ये बताया तर्क संग्रह में, देखिएगा। हाँ, और क्या रहा? हाँ, विशेष में, विशेष में वही संबंध से स्वसमवाय समवाय तत्व, स्व बराबर मान लीजिए सत्ता, हाँ द्रव्य तो ले लो, समझ में है ना? ठीक है, नहीं द्रव्य तो नहीं, ऐसा ले लो, कहाँ पर घटाना है? विशेष में घटाना है, विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, बताइए, नित्य द्रव्य में सत्य, नित्य द्रव्य में विशेष रहेगा कि नहीं रहता है ना? आकाश में रहता है, हाँ कि नहीं? आकाश में सत्ता रहेगी, रहेगी ना, तो स्व बराबर सत्ता कि नहीं? स्व बराबर सत्ता, हाँ स्वसमवाय, स्वसमवाय नहीं, सत्ता का समवाय नहीं, वो है वो कहाँ पर ले, परमाणु ले लो, परमाणु ले लीजिए, है कि नहीं? तो परमाणु में सत्ता रहेगी, रहेगी, उसका समवाय, हाँ उसका समवाय, हाँ समवाय संबंध से कहाँ सत्ता रहेगी? हैं, हाँ ठीक है, आकाश में भी रहेगी, इसलिए स्वसमवाय कौन हो गया? आकाश हो गया, उसमें क्या है? विशेष रहेगा किस संबंध से? समवाय तत्व संबंध से, नहीं हो जाएगा? नहीं, स्वसमवाय कैसे घटना है? स्वसमवाय समवाय तत्व होता है ना, स्वसम कहाँ पर घटाना है? कि सत्ता को है ना, सत्ता को कहाँ बैठाना है? विशेष में बैठाना है, हाँ ठीक तो है, हाँ हो गया, हो गया, स्वसमवाय समवाय तत्व हो गया ना, हाँ कैसे, हाँ कैसे, स्व हो गया सत्ता, उसका समवाय हो गया आकाश आदि,
आकाश आदि में विशेष किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से समवाय तो कौन हो गया? समवाय तो हो गया आपका विशेष, स्वसमवाय समवाय तत्व, इस संबंध से कौन बढ़ जाएगी? सत्ता बढ़ जाएगी। इस प्रकार सभी में आता है कि नहीं ऐसे में? तो तर्क संग्रह आप देख लीजिएगा क्या हुआ, द्रव्य गुण कर्म में सत्ता के संबंध से समवाय और बाकी में स्वसमवाय समवाय तत्व। तो क्या होगा लक्षण फिर? लक्षण क्या होगा भाव का? समवाय स्वसमवाय समवाय तत्व अन्यत्र संबंध। बस इस समस्या पूरे में चली जाएगी। कौन चली जाएगी? सत्ता में। सत्तावत्तम कहाँ चला जाएगा? सभी में जाएगा, छह भाव पदार्थ में चला जाएगा। ठीक है, चलो। अत्र सप्तमस्य अभावत्व कथनादेव सन्नाम भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वेन पृथक उपन्यासो न कृत। इसलिए उसको भाव शब्द से अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। हो गया भाई? क्यों हो गया? तो अंतिम पदार्थ को जो अभाव कह दिया तो इससे अनुमान से ही सिद्ध हो गया कि छह पदार्थ क्या है? भाव है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं? इसलिए छह पदार्थों को भाव शब्द से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया ना? अच्छा, उसके बाद एते च पदार्थ, ये जो पदार्थ है कितने हैं? सात पदार्थ। एते च पदार्थ वैशेषिक नये, क्योंकि लोग शंका करेंगे ना भाई, नैयायी लोग तो 16 पदार्थ मानते हैं। कितने पदार्थ? 16 पदार्थ। 16 पदार्थ होता याद है सूत्र आपको? याद है? नहीं याद है? रामेश्वर तुमको याद है? हेलो रामेश्वर, याद है तुमको? याद बेचारा कहाँ जा। तुमको 16 पदार्थ याद है? तुमको याद है? हाँ, जोर से बोलो, बताता हूँ। देखो, हाँ बोलो। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत वैवतर्क निर्णय वहद जल्प वितंडा हेत्व भाषति निग्रह स्थानानाम स्थानानि निश्रय अधिगमात्। तत्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमा, पूरा सूत्र है ना? ऐसे तत्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमा, समझ में ना? है, छोड़ दिया छोड़ दिया तुमने। बोलो ठीक से, बोलो। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत है, तर्क नहीं उसमें है। हाँ, फिर आगे छल जाति निग्रह स्थानानाम बाद जल्प वितंड हेत्वाभास छल जाते निग्रह स्थानान है ना, तत्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमा, ऐसा है ना? हैं? हाँ, याद नहीं है तुमको? तर्क संग्रह में ये सब है भाई, दरअसल नहीं है। तर्क संग्रह में ही मूल है, ये मूल बोल दिया उन्होंने, न्यायबोधिनी में है ना? दिया है उसमें। चलो आगे। हाँ, उसमें किए थे। उसका समन्वय किसके कैसे अंतर्भाव होता है वो लोग भी हम लोग उस टाइम भी हम लोग देख रहे। चलो, उसके बाद एतेज पदार्थ, इसलिए शंका बन गई ना भाई, वो तो 16 पदार्थ बनते होते हैं, आप 7 पदार्थ कह रहे हो, है ना? तो उसमें न्यूनता आ गई। वैशेषिक सिद्धांत में क्या आ गई? न्यूनता आ गई। नहीं, इसका समाधान एतेज पदार्थ, ये पदार्थ किसके अनुसार है?
वैशेषिक नए मतलब वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, प्रसिद्ध है, ये तो प्रसिद्ध है भाष्य आदि में प्रसिद्ध है ना। हाँ, तो वैशेषिक सिद्धांत का भाष्य क्या है? प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद ने भाष्य लिखा, उसको कहते हैं प्रशस्त भाष्य, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। और नैयायिका नाम अपि अविरुद्ध, नैयिकाओं के साथ भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अंतर्भुक्त हो जाएगा ना इसमें, सोलह पदार्थ का अंतर्भाव साथ में हो जाता है। और दीपिका में दिया है सब, तर्क संग्रह के दीपिका में दे दिया, यहाँ पर भी दे रखा है, किरणावली में भी दिया है, किरणावली में भी अंतर्भाव किया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए कह दे नैयायिका नाम अपि अविरुद्धा प्रतिपादित प्रतिपादितम च एवम एव भाष्य। इस प्रकार जो है भाष्य में कौन अभी बताया, प्रशस्त पाद का जो भाष्य, भाष्य में इसी प्रकार का प्रतिपादन कर दिया, अंतर्भाव कर दिया है, ठीक है नारायण, इसलिए किसी प्रकार का दोष नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया है? अच्छा, उसके बाद कहते हैं अतएव उपमान चिंता मड़ौ सप्त पदार्थ अभिन्नतया ने भिन्नतया सप्त पदार्थ अभिन्नतया शक्ति सादृशादीनाम अपि अतिरिक्त पदार्थत्वम आशंकितम। अच्छा, इसलिए वहाँ पर आशंका की गई, अरे सात पदार्थ आपने कैसे कहा, सात पदार्थ से तो भिन्न पदार्थ भी है नारायण, कौन, ये शक्ति है, एक सादृश्य है, एक सत्व है, स्व में सत्व रहेगा ना, आदि आदि शब्द से ले लो, ये तो अतिरिक्त पदार्थ है ये। इस प्रकार आशंका की गई, कहाँ पर की गई, तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि ग्रंथ का जो उपमान परिच्छेद है, कौन परिच्छेद, उपमान, उस उपमान परिच्छेद में वहाँ पर शंका की गई, कौन से पदार्थ की, सप्त पदार्थ से जो भिन्न पदार्थ है, शक्ति है, सादृश्य है, सत्व है ना, इस प्रकार पदार्थ की वहाँ पर शंका की गई, अतिरिक्त पदार्थ भी होना चाहिए, शंका की गई और उसका समाधान भी किया, समाधान क्या, अंतर्भाव कर दिया, अंतर्भाव करके समाधान कर दिया है ना। इसलिए जो तत्व चिंतामणि कार, कौन, गंगेश उपाध्याय, उसने जब समाधान कर दिया तो उनकी बात मानो ना, फिर ये कहने का अभिप्राय, कौन कह रहे हैं ये, विश्वनाथ, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कह रहे हैं, ये अतिरिक्त पदार्थ नहीं, हमारे पूर्वाचार्य ने भी अंतर्भाव किया है ना, इसलिए अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, जरूरत नहीं, सात पदार्थ ही है, हो गया, ऐसा बोलते हैं ये। अच्छा, इसके बाद थोड़ा यही विचार है, देखो भाई शक्ति नाम की शक्ति ना, शक्ति नामक तो पदार्थ है ही, हो शंका कर रहे, देखो ननु कथम एतेव पदार्थ, सप्त बोल दिया ना, सप्त पदम किमर्थम, अभी बताया सप्तम सप्त इति पदम किमर्थम, व्याप्ति लाभ, व्याप्ति किसके लिए, अतिरिक्त पदार्थ नहीं, इसका निर्णय करने के लिए, निश्चय करने के लिए जी। है कि नहीं, तो आपने जो सप्त शब्द के द्वारा, सप्त शब्द के कथन से है ना, आपने अतिरिक्त का क्या कर दिया, व्यावर्तन कर दिया है, ठीक है, तो कैसे कह दिया आपने, कथम एतेव पदार्थ, सात ही पदार्थ कैसे कहा आपने, क्योंकि शक्ति नामक पदार्थ है ही हो, इसी प्रकार सादृश ही पदार्थ है, इसी प्रकार आदि शब्द से सत्व भी एक पदार्थ है, ठीक है ना, इस प्रकार और भी कोई कल्पना करे। कल्पना करने में क्या हार जाए, शक्ति सादृश्य आदि नाम अपि अतिरिक्त पदार्थत्वात्, अतिरिक्त पदार्थ होने से आपने कैसे कहा कि सात ही पदार्थ है, समझ में, कैसे, जरा बताओ,
आप देखो पढ़ा रहे हो, कौन पढ़ा रहे है? पूर्व पक्षी। शक्ति नामक एक पदार्थ है तथा ही, ये पूर्व पक्षी है, कहते हैं बढ़नी में शक्ति है कि नहीं ये बताओ। बढ़नी में शक्ति है, न दिखने पर ही उसका कार्य दिख रहा है कि नहीं। शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से न दिखने पर भी अनुमान से सिद्ध हो जाएगी, किसको देख करके? कार्य ना, दाहारूपी कार्य से। दाहारूपी कार्य को देखकर कारण का अनुमान होगा कि नहीं होगा? इसलिए शक्ति नामक पदार्थ है यो, ये बोल रहे हैं। देखो कैसे बता रहे, मणियादि समवहितेन बन्हिना दाहो न जन्यते, है ना? कहते हैं कि मणि 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 चंद्रकांत मणि है, ठीक है ना? चंद्रकांत मणि है, और आगे क्या है? आदि शब्द कह देना, कोई औषधि है, मंत्र है, जो भी हो, प्रतिबंधक। कहने का ही प्रक्रिया क्या है? प्रतिबंधक। प्रतिबंधक यदि ना हो हैं तब तो दाह क्रिया होती है, और प्रतिबंधक यदि पास में हो है ना, ये कहा मणि आदि हो गए प्रतिबंधक, मणि आदि प्रतिबंधक के हैं साथ में यदि क्या हो, बन्नी हो, कहो सामीप्य है ना, मतलब प्रतिबंधक का सामीप्य होगा किसके साथ? बन्नी के साथ। इसलिए प्रतिबंधक के सामीप्य में रहने वाला जीव, रहने वाली जो कौन? बन्नी। तब तो बन्नी में, बन्नी से क्या नहीं होता है? दाह क्रिया नहीं होती है, हैं? प्रकाश भले हो लेकिन दाह क्रिया तो नहीं है, हैं? इससे क्या हुआ, वहाँ पर शक्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्ष। शक्ति नष्ट हो गई, शक्ति नष्ट हो गई, ये कह रहे। देखो तत्शून्यन तो जन्यते, समझ में ना? हाँ, क्या तत्शून्यन का अर्थ क्या? तत् क्या लेंगे? वही नहीं नहीं मण्यादि प्रतिबंधक, प्रतिबंधक यदि ना हो जिस टाइम, प्रतिबंधक यदि ना हो तो वो क्या है, हैं? शक्ति है वहाँ पर उस टाइम, इसलिए क्या है जन्यते। कहा जन्यते? दाह, दाह क्रिया जन्यते, दाह क्रिया हो जाती है, ऐसा समझ में? हाँ, इसलिए जो है वो दाह क्रिया के प्रति कारण कौन है? शक्ति तो है ही, इसलिए शक्ति तो मानना पड़ेगा। अलग पदार्थ है, बन्नी तो है ही हो, बन्नी को, बन्नी तो है ही हो, बन्नी से अतिरिक्त भी बन्नी में क्या है? शक्ति है, ये मानना पड़ेगा, है कि नहीं? अन्य सचार व्यतिरिक्त सचार हो गए कि नहीं? जी। पहला क्या हुआ, पहला किसको दिखाया? व्यतिरिक्त सचार, पहला व्यतिरिक्त सचार है ना, शक्ति हो तो दाह क्रिया, शक्ति न हो तो दाह क्रिया नहीं होगी। शक्ति शक्ति अभावे यण कर दिया, शक्ति अभावे हैं, दाहा दाहा भाव, दाह नहीं होगा, दाह का अभाव हो जाएगा, ये व्यतिरिक्त सचार पहले कह दिया, और बाद में क्या कह दिया हैं? हाँ, क्योंकि वो मन्यादि नहीं रहा, अब शक्ति है, इसलिए शक्ति सत्व दाह सत्वम, ये अन्न सचार हो गया, ऐसा समझ में? कौन कह रहा भाई? पूर्व पक्ष, ठीक है नारायण। अच्छा अब क्या कहते हैं भाई? कहते हैं भाई देखो ऐसा है, तत्र मण्यादिना बन्नो दाहानुकूला शक्तिर नाश्यते, ये तो लिख दिया है ना? हाँ, वो क्या होता है ना, दाहानुकूल जो शक्ति थी ना वो नष्ट हो गई कि नहीं मणि आदि के द्वारा? क्या है, मणि आदि यदि हो ना तो दाह अनुकूल शक्ति नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है, हैं? नष्ट हो जाती है, इसलिए जो दाह क्रिया नहीं होती है, दाह क्रिया नहीं होती, ये बोल रहे है ना? मतलब हाँ ठीक है, मतलब मणि आदि यदि पास में हो है कि नहीं, तो बर्नी होने पर भी उसमें दाह अनुकूल शक्ति नहीं होती है, नष्ट हो जाती है, पूर्व पक्षी कह रहा है, समझ में ना? अच्छा अब क्या कह रहे हैं देखो, अब कहते हैं कि जो है
इसलिए जो क्या हुआ बताओ, ये शक्ति के प्रति जो है कारण कौन हो गया? हाँ, ये एक मिनट, एक, हाँ ठीक है, एक मिनट को, पूर्व पक्षी कह रहा है उत्त जके ना मणि अध्याय अपसारेण है ना, जन्यते इति कल्प्यते। अच्छा भाई, तो वो कह रहा है देखो, उत्तेज उत्तेजकेना मण्यादि अपसारणेना है ना, उत्तेजक मणि जानते हैं, उत्तेजक मणि क्या है? उत्तेजक मणि होता है सूर्यकांत मणि। क्या होता है? सूर्यकांत। चंद्रकांत मणि क्या है? शक्ति का प्रतिबंधक है। चंद्रकांत मणि क्या है? शक्ति का प्रतिबंधक है, समझ में ना। लेकिन उत्तेजक का जो सूर्यकांत मणि यदि हो ना, ठीक है ना, क्या हो? हाँ, कौन? सूर्यकांत मणि। एक मणि होती है सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि यदि हो जाए तो क्या है, बन्निनिष्ठ जो शक्ति है ना, वो शक्ति का नाश नहीं होता है। कैसे मैं, शक्ति का नाश नहीं होता है, वो शक्ति होती है। किसका कहना ये? हाँ, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, उत्तेजक है ना, हाँ, उत्तेजक यदि मणि हो वहाँ पर, ठीक है ना, मण्यादि अपसारण है ना, और जो है, हाँ, जिस समय जो है सूर्यकांत मणि हो और उसमें क्या हुआ, चंद्रकांत मणि का अभाव हो गया, चंद्रकांत मणि भी नहीं है, क्या है, चंद्रकांत मणि भी नहीं है, तो उत्तेजक है ना मण्यादि अपसारण है ना, जन्यते इति कल्पते, ऐसी कल्पना होती है वहाँ पर। तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर, एक मिनट को, हाँ हाँ, उत्तेजक मणि यदि रख दे, उत्तेजक मणि उत्तेजक है ना, है मण्यादि अपसारण है ना, उत्तेजक मणि कौन हो गया, सूर्यकांत मणि, बराबर है ना। हाँ, तो ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, क्या है मान्य, नहीं नहीं वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो क्या कह, हाँ एक मिनट, उत्तेजक ना मण्यादि अपसारणे ना चौजन्य, ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसा सुनो 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 सुनो, हाँ ऐसा है ना, बताता हूँ तुमको, उत्तेजक मणि कौन हो गया, सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि भी है, ठीक है, और चंद्रकांत मणि भी है, कैसे मैं, ठीक है ना, केवल चंद्रकांत मणि हो जाए तो दाहक शक्ति नहीं रहती, नहीं होती है, दाह क्रिया नहीं होती, दाह शक्ति नहीं होती है, समझ में आया, क्या होने पर, चंद्रकांत मणि, लेकिन चंद्रकांत मणि होने पर भी क्या है, चंद्रकांत, देखो चंद्रकांत मणि नहीं है, सूर्यकांत मणि में नहीं है, चंद्रकांत मणि में नहीं है, सुनते ना, तो दाह क्रिया तो हो जाएगी, प्रतिबंधक हट गया, इतना आया समझ में। लेकिन जिस समय चंद्रकांत मणि है उसमें भी यदि सूर्यकांत मणि हो जाएगा है, तब भी दाह क्रिया हो जाती, ये बात यहाँ पर कह रहे, यही कह रहे तुम रामेश्वर, ऐसा कह रहे हो ना, हेलो, चलो, उत्तेजके ना मण्यादि अपसारण है ना, है ना, हाँ जन्यते इति कल्पते, ऐसी कल्पना होती है, अभी और आगे विचार आएगा, है ना। हाँ, तो प्रतिबंधक उसी को मानेंगे, प्रतिबंधक किसको मानते मालूम है, उत्तेजक का अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, कैसे मैं, उत्तेजक अभाव चंद्रकांत मणि, प्रतिबंधक कौन होगा, आए उत्तेजक का अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, ये होता है प्रतिबंधक। श्यामदेव, तुम एक बार पूछे थे ये, हाँ, केवल चंद्रकांत मणि नहीं, कैसे,
उत्तेजक मणि मण्य भाव कल पद संक्षिप्त से बोले उत्तेजक अभाव, उत्तेजका भाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, ये हो जाएगा प्रतिबंध किसके प्रति, दाह क्रिया के प्रति, दाह शक्ति के प्रति। आज मैं बताइए क्या है उत्तेजक अभाव विशिष्ट, उत्तेजका भाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि प्रतिबंध होता है, क्या हुआ? हाँ ठीक है, विशेष क्या है? विशेष चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि, ये हो जाएगा विशेष। आप समझ में? हाँ, विशेषण कौन हुआ? उत्तेजक का अभाव, उत्तेजक का अभाव, ये उत्तेजका भाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, ये हो जाएगा प्रतिबंध। आप समझ में? हाँ, उसका अभाव प्रतिबंधक का अभाव। अब बताएंगे, अभी विशिष्ट का अभाव कहना है ना, क्या कहना है? विशिष्ट का अभाव। अब सब बताएंगे, तीन प्रकार का कहेंगे है, क्या कहेंगे? तीन प्रकार का अभाव हो जाएगा ना, विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार का हो जाएगा, विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, और विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, कितने हुआ? तीन हुआ। क्या क्या बताइए? विशेषणाभाव, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, और विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, ये सब हो जाएगा। आ गया कि नहीं आया? पहले किसको समझेंगे? विशेषण क्या है? हाँ, मतलब सूर्यकांत मणि का अभाव, ये हो जाएगा विशेषण, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना? है ना, तब विशेषण ना हो तो विशिष्ट का अभाव हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप समझ में है ना? विशेष क्या है? चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि रखिए, क्या रखिए? चंद्रकांत मणि रखिए, सुनते ना भाई? और सूर्यकांत मणि भी है तो कौन सा अभाव हुआ बताओ, बताइए? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या बोले? हैं? आयत कोई अभाव नहीं, आयत ऐसा, सुनो पहले, सुनो सुनो पहले, तुम ज्यादा बोलते हो तुम। हाँ, मैंने क्या पूछा तुमको? सूर्यकांत, हाँ सुनो ठीक से, मैं क्या कह रहा, सूर्यकांत मणि है, क्या है? सूर्यकांत मणि है और चंद्रकांत मणि भी है, ठीक है, तो दाह क्रिया होगी, होगी, प्रतिबंध का अभाव हुआ, हुआ, तो इसको कौन सा अभाव कहेंगे? विशेषण युक्त विशिष्ट अभाव। फिर बोलिए। विशेषण युक्त, तीन प्रकार का अभाव अभी समझ में नहीं आया आपको? पहला अभाव क्या है? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव। विशेषण अभाव, विशेषण क्या है? सूर्यकांत, सूर्यकांत मणि का अभाव है, ये विशेषण है, वो विशेषण है ना, विशेषण का अभाव, ये माथा घूम जाती है इसमें। विशेषण क्या है बोले? सूर्यकांत मणि का अभाव। विशेष क्या है? चंद्रकांत मणि। हमने क्या पूछा आपसे? चंद्रकांत मणि है और सूर्यकांत मणि भी है तो कौन सा अभाव हुआ, ये बोलो। विशेषण क्या है? बजा बुझे न लगाओ, विशेषण क्या है? उसका अभाव क्या हुआ? कौन है? सूर्यकांत मणि है कि नहीं, तो अभाव मिला कि नहीं मिला? तो विशेषण का अभाव हुआ, हाँ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो विशेषण यदि ना हो तो विशिष्ट का अभाव होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अरे दंड ना हो तो दंडी का अभाव होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार यहाँ पर दंड के स्थान पर किसको समझेंगे? सूर्यकांत मणि के अभाव को, उसका अभाव क्या हुआ, कौन हुआ? सूर्यकांत मणि है कि नहीं, तो विशेषण का अभाव मिला कि नहीं मिला? तो विशिष्ट का अभाव हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ, तो इसलिए दाह क्रिया हो गई। इसको क्या बोलेंगे? विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव। आया संदेह?
हाँ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। हाँ, और देखो, कहते हैं सूर्यकांत मणि नहीं है, सूर्यकांत मणि नहीं है, ठीक है, सूर्यकांत मणि नहीं है, और चंद्रकांत मणि भी नहीं है, चंद्रकांत मणि भी नहीं है, तो कौन सा अभाव हुआ बोलो? उभया उभया भाव कहाँ हुआ? क्या बोला? भाव प्रयुक्त किसी का भाव अरे उभया भाव कहाँ से हुआ? हाँ, दोनों नहीं है ना, विशेषण क्या है? विशेषण तो सूर्यकांत मणि का भाव है हाँ, तो ना, यहाँ पर क्या है? ये तो है ही, उभया भाव कैसे हुआ? सूर्यकांत मणि नहीं है बोला ना, तो विशेषण है। विशेषण हाँ, तो फिर दो उभया भाव कैसे कह रहे हो? हाँ, माथा घूम रहा है तुम्हारा अभी। विशेष्य नहीं है, विशेष्य क्या है? चंद्रकांत मणि। तो कौन सा अभाव हुआ बोलो? विशेष्य अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव। हो गया कि नहीं हो गया? दाह क्रिया हो जाएगी, हो जाएगी। नहीं। हाँ, आप समझे कि नहीं? हो गया। उभया भाव क्या होगा बताइए? उभया भाव क्या होने पर होगा? सूर्यकांत होगा, सूर्यकांत चंद्रकांत मणि नहीं रहेगा और सूर्यकांत मणि रहेगा, हाँ ठीक, सूर्यकांत मणि रहेगा और चंद्रकांत नहीं रहेगा, चंद्रकांत नहीं रहेगा, तो कौन सा अभाव हुआ? उभया उभया प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो जाएगा। हो गया, ज्यादा ना बोले फिर। इतने मेरे टाइम हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।